प्यारे बच्चों, आइए अनिल कुमार योर हिस्ट्री टीचर। आज आपको इतिहास के लेसन नंबर 5 यावर साम्राज्य यानी मंगोल साम्राज्य के बारे में बताएंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो यावर का अर्थ क्या है? देखिए, यावर का अर्थ होता है खाना बदू घुमक का अर्थात कबीलाई जाति के लिए समुदाय जो चारे और भोजन की तलाश में अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उन्हें हम खाना बदोश या यायावर कहते हैं। अब यहां आपने देखा या सुन रहे हैं कि यावर साम्राज्य कि एक तरफ तो यावर का मतलब है विचरना घूमने वाले, साम्राज्य का मतलब तो राजनीतिक रूप से संख्यित लोग होते हैं जो एक स्थान पर निवास करते हो। तो इन दोनों शब्दों में विरोधाभास है, लेकिन ये विरोधाभास हमें देखने में लग रहा है वास्तव में यावरों ने यानी मंगोलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था जो कि मंगोलिया के आसपास एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में स्थापित था। अब इस साम्राज्य का पूरा श्रेय पूरे का पूरा दायित्व केवल एक ही व्यक्ति चंगेज खान के इर्द गिर्द होता है और उस चंगेज खान ने ही ऐसे शासन की कल्पना जैसे बनाया था। इस पाठ में हम केवल चंगेज खान का जीवन, उसकी सफलताएं, उसकी विजय और उसके बाद उसके शासन को संभालने वाले इनके ही विषय में पढ़ेंगे। चंगेज खान के अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। अब अभी चंगेज खान का जन्म से पहले मैं आपका हूं, चंगेज खान मंगोलिया क्षेत्र के अंदर इस साम्राज्य को यानी मंगोल साम्राज्य को स्थापित। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोल या में ओजोन नदी के तट के आसपास के किन क्षेत्रों में हुआ था। इसके बचपन का नाम तेमुजिन था। तेमुजिन को बचपन से ही बड़ी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन बिताया। 1170 से लेकर 1180 के बीच तेमुजिन यानी चंगेज का अपहरण हो गया, उसे दास बनाकर रखा गया, फिर उसकी पत्नी का अपहरण हो गया। 1180 के बाद उसने अपनी पत्नी बोलते को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अंत में वो अपनी पत्नी को आजाद कराने में सफल हो। इन विषम परिस्थितियों में जब उसने अपना जीवन व्यतीत किया तो उसके अंदर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वह काफी मजबूत हो गया और 1190 के बाद उसने अपने पिता के द्वारा स्थापित साम्राज्य को संभालना आरंभ किया, अर्थात वह अपने कबीले का मुखिया हो गया। कबीले का मुखिया बनने के बाद सर्वप्रथम उसने अपने कबीले के ऊपर निर्णय लिया और अपनी सफलता को आगे बढ़ाना आरंभ किया। हालांकि मंगोल का कोई स्थायी निवास स्थल नहीं था, वो तंबू और जलों में टेंटों और जलों के घरों में रहते थे अस्थायी रूप से, लेकिन फिर भी चंगेज खान ने इन्हें स्थायित्व देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई, क्योंकि मंगोलों का सारा जीवन जितने भी कबीले थे चाहे वो उइगर था कि वो खाने था कि वो तुर्की थे चाहे वो होर थे, वो सारे के सारे अपने अपने क्षेत्रों में विचरते रहते थे। उनके कबीलों में हर कबीले में एक मुखिया होता था
प्रत्येक व्यक्ति को उस मुखिया के आदेशों का पालन करना पड़ता था। वे मुखियाओं का सम्मान करते थे और वे मुखिया उस नौजवान लड़कों को अपने कबीले की सुरक्षा का दायित्व भी सौंपते थे। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी यानी मंगोलों की कहलो या सामाजिक कहलो, वो कुछ विशेषताएं विशेष क्षेत्रों पर सीमित थी जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए कबीलाई राज, जितने भी मंगोल थे या जितने भी आपके खाना बदोश कबीलाई राज्य थे उनमें 100% तो समानताएं एक नहीं थी लेकिन कुछ बातों में समान थे कि सारे कबीलाई क्षेत्र थे और एक कबीलाई समूह के रूप में ये अपना जीवन बिताते थे। ना कोई इनके पास सफाई रूप से धन था, ना कोई लेखन कला थी, ना कोई साहित्य था। ये तंबों में रहते थे और घरों के मकान में रहते थे। अपने कबीले के सरदार का सम्मान करते थे, सीमित शौक थे। कबीलाई राजों के पास सीमित शौक थे, इनका राज्य सीमित था। ये सिर्फ अपने आसपास के क्षेत्रों पे ही आश्रित थे, लूट मार करते थे। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि सारे के सारे लोग आपस में एक दूसरे कबीले के ऊपर हमला करते थे। क्यों? क्योंकि अपने भोजन के लिए, हथियारों के लिए, जोर के सामान के लिए कहां से लाए, तो एक कबीलों को ही लूटते थे। तो सभी का एक देश पैदल रूप पा समानता के ऊपर ही केंद्रित थे, क्योंकि सारे के सारे कबीलाई राज्य एक समान थे, क्योंकि वो लूटे हुए माल में बराबर का हिस्सेदार होते थे, सबको समान रूप से देते थे। ना तो वो किसी के ऊपर शासन करना चाहते थे और ना खुद वे किसी के अधीन रहना चाहते थे। वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते थे लेकिन अपनी सुरक्षा को महत्व देते थे। इसी काल से वो आक्रामक प्रवृत्ति के थे, दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर से वार करना ये प्रत्येक कबीले के व्यक्ति को सिखाया जाता था। दुश्मन से सावधान रहना ये भी प्रत्येक कबीले को सिखाया जाता था। तो ये तो कुछ मंगोलों की सामान्य विशेषता है। अब चंगेज खान की युद्ध नीति, क्योंकि चंगेज खान मंगोल था, उसकी युद्ध नीति कुछ हटके थी कि चंगेज खान सर्वप्रथम तो अपने कबीले में सभी लोगों को एक समान समझता, सभी लोगों को वो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया था और ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों की ईमानदारी निष्ठा की परीक्षा लेता था। सभी को लूट के माल में बराबर का हिस्सा था। सैनिकों को शत्रु पक्ष की गतिविधियों पे नजर रखने का आदेश दिया। शत्रु पक्ष की शक्ति, उसकी ताकत, उसकी गोला बारूद की क्षमता, हथियारों की क्षमता, इस सबसे वो अवगत हो। इसके साथ साथ फूट डालो वाद करो की नीति अपनाता कि अपने पड़ोसी कबीले वाले में फूट डालकर के उन लोगों को अपने अंदर मिला लिया जाए और उस कबीले को लूटा जाए। गुप्चर अपने शायर यानी गुप्चरों को भेज करके शत्रु पक्ष की कमजोरी को हासिल करता था। ये कुछ ऐसी उसकी नीतियां थी, कूटनीति का सहारा लिया करता था जिससे वो शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता था। ये उसकी युद्ध नीति थी जिसके कारण उसको सफलता मिली, उसे विजय मिलती चली गई। अब यहां चंगेज खान कुछ प्रमुख विजयों का वर्णन करें। चंगेज खान ने किन किन क्षेत्रों को जीता? देखिए चंगेज खान का विजय अभियान 1205-6 से शुरू हुआ था और 1227 तक चलता रहा है। सर्वप्रथम उसने चीन पे आक्रमण किया। देखिए चीन एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था। चीन के ऊपर उसने सबसे पहले शीशियांग वंश के राजा पर हमला, शीशियांग वंश के शासक को पराजित करके उसने उसके ऊपर कब्जा किया और अपना शासन या उससे कर लेना
या नजराना लेना शुरू कर दिया। नजराना होता है ताकत के बल पे लिया जाने वाला उपहार, उसको बोलते नजराना, वो लेना। तत्पश्चात आप उसने चीन के दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण किया जिसकी राजधानी बीजिंग थी। उसने बीजिंग को भी जीत करके अपने अंदर मिला दिया। फिर वो चीन के तीसरे क्षेत्र पर आक्रमण करने लगा, लेकिन वहां उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली तो उसने उस कार्य को बीच में ही छोड़ दिया, जो बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया। पूर्वी एशिया में चीन विजय के पश्चात चंगेज खान ने पूरा एशिया के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसने उसने कोरिया को जीत करके अपने साम्राज्य के अंदर मिला दिया और साम्राज्य का विस्तार कर दिया। मध्य एशिया की विजय, पूर्वी एशिया को जीतने के बाद वो मध्य एशिया की तरफ भी आकर्षित हुआ, जहां उसने बलक बोहारा इत्यादि क्षेत्रों के ऊपर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया। तत्पश्चात उसने रूस और क्रीमिया के ऊपर भी आक्रमण किया, क्योंकि क्रीमिया के शासक ने एक मंगोल दूत का वध कर दिया था, जिस कारण से चंगेज खान उसे डर देना चाहता था। क्रीमिया का शासक अपने देश को छोड़ के भाग गया, तो उसके पीछे पीछे चंगेज खान के सैनिक थे। इसका परिणाम यह निकला कि पश्चिम और दक्षिण एशिया के ऊपर भी चंगेज खान का अधिकार हुआ, क्योंकि वह शासक पश्चिम क्षेत्र की ओर भाग गया। वहां जाते हुए उसने उसे पकड़ करके सैनिकों ने उसका वध किया। अब चंगेज खान के अधीन अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया का अनेक हिस्सा उसके कब्जे में आ गया। ये चंगेज खान की कुछ विजय अभियान थे। अब चंगेज खान के उत्तराधिकारी, चंगेज खान के बाद का शासक, देखिए चंगेज खान ने अपने जीवन में जीते जी अपने शासन को अपने पुत्रों के अंदर ही बांट दिया था, क्योंकि वो ये मानता था कि अपने परिवार में ही शासन है, तो उसके बाद वही परंपरा उनके परिवार ने निभाते हुए उसके शासन को चार हिस्सों में बांट दिया। पहला कुबलाई का शासन सम्राट, ये कुबलाई चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे का बेटा। चंगेज खान के बाद उसने कुबलाई साम्राज्य को स्थापित किया और चंगेज खान की नीतियों पे चलते हुए ही अपने राज्य का विस्तार किया। चगताई का शासन, चगताई उसके बड़े बेटे का बेटा था, जिसने भी उसके हिस्से में शासन आया, उसने भी उसे बढ़ाने का प्रयास किया। इसे इतिहास में चगताई के नाम से जाना जाता है। इसमें ईरान, सीरिया आदि का क्षेत्र था। इल्खानिद का साम्राज्य, इस साम्राज्य के अंदर पामीर का पठार, तिब्बत के पठार, भारत का जम्मू कश्मीर से लगता हुआ क्षेत्र, ये शामिल था। गोल्डन हाई का साम्राज्य, ये साम्राज्य सबसे विख्यात साम्राज्य होता है और यह साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था, रूस तक ये राज्य फैला हुआ था। चंगेज खान की युद्ध नीति या सैनिक पर्वत के दृष्टिकोण से चंगेज खान ने अपने पूरे राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और प्रत्येक पुत्र के अधीन एक सेना जिसे नोयांग कहते हैं। प्रत्येक नोयांग कुछ छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी होती थी, जिन्हें तामा का नाम दिया गया था। इसके साथ साथ चंगेज खान की युद्ध नीति के अंदर वह प्रत्येक सैनिक को लूट का हिस्सा देते हुए उसका बड़ा सम्मान करता,
संबोधित करता था। इतना ही नहीं, वह अपने धीर काम करने वाले कर्मचारी को खास नौकर या सेवक कहता था, जिससे वो व्यक्ति उसके प्रति स्वामी भक्त बना है। ये चंगेज खादी ने उस सैनिक को किया था। वह अपने सैनिकों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया था, चलते हुए घोड़े के ऊपर, दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर से वार करना, तलवार चलाना, कूद जाना और भागते घोड़े के ऊपर चढ़ जाना, इस प्रकार की ट्रेनिंग वो अपने सैनिकों को दिया करता था। तो ये चंगेज खादी के सैनिक शासन के प्रबंध के नियम थे। कुछ असैनिक के लिए देखिए, असैनिक में मंगोल साम्राज्य पूरे का पूरा एक केंद्रीकृत साम्राज्य था और उस साम्राज्य का सर्वे सर्वा स्वयं शासन का मुख्यालय था, लेकिन उसने भी एक परिषद बना रखा। उस परिषद के सभा से ही वह अपने यहां साम्राज्य का संचालन करते, जैसे उत्तराधिकारी के नियम, चारागाहों का बंटवारा, प्राप्त लूट के सामान का बंटवारा किन किन आधार पर किया गया है, ये सारे की सारी जिम्मेदारी उस परिषद की होती थी। इसके अलावा चंगेज खान कुछ लिखित संहिता, लिखित कानून बना रहे थे, जिनको उस समय यासा के नाम से जानते थे, यासा, और यासा का अनुसरण प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता था। उसने अपने प्रांतों को रसूलों में बांटा, जिन्हें प्रांत कह सकते हैं उसने बांटा, और प्रत्येक प्रांत आगे चल के छोटे छोटे समूह में बटा हुआ था। उन समूहों के मालिक प्राय किसी कबीले के सरदार होते थे। चंगेज खान जीते हुए कबीलों के वफादार या पुराने बुजुर्ग जो लोग होते थे उनको उनका उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी सौंप देता था। ये उसके असैनिक शासन थे। अतः हम कह सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य बेशक चाहे इतिहास में इतना प्रसिद्ध नहीं रहा, लेकिन यह साम्राज्य मंगोलिया के आसपास क्षेत्र में आज भी विस्तृत है। आज भी मंगोलिया के अंदर चंगेज के बताए हुए मार्ग पर लोग चलने का प्रयास है। अब आपको मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं जो आपको मिले। सर्वप्रथम तो यही है कि भाई यावत साम्राज्य की कुछ विशेषताएं बताएं। चंगेज खां के जीवन और उसकी सफलताओं का वर्णन करें। चंगेज खां की युद्ध नीति क्या थी? चंगेज खां ने किन किन क्षेत्रों को विजय किया, अर्थात उसने किन किन क्षेत्रों को जीता? चंगेज खां के सैन्य और असैन्य शासन प्रबंध की व्याख्या की।